पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात जो जागल लहन से साई कन्नो दात। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों को ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से हाथ जोड़कर विनती है। इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनना, पूरे एकाग्र चित्ता से। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, ध्यान से सुनना। यहां पर दिन के पहरों की नहीं, रात के पहरों की बात की गई है। दिन के चार पहर होते हैं, सुबह 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 3 से 6 चार पहर दिन के, चार पहर रात के, 6 से 9 9 से 12 12 से 3 3 से 6 पहले पहरे फुलड़ा जो 6 से 9 के बीच में रह रहा सब्जी का समा संभालते हैं, वाणी कह रहे हैं। पहले पहरे फुलड़ा उनकी कमाई को फूल लगते हैं। वो जो बंदगी करते हैं, वो जो दान पुण्य करते हैं, जितने भी नेक काम करते हैं, उनकी कमाई को फूल लगते हैं अगर वो शाम का समय संभालते हैं। फल भी पच्छा रात, पच्छा रात कब कहा है? 12 से 6 के बीच का समय। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम गृहस्थियों के लिए हुक्म है गुरु नानक का 3 से 6 चौथा पहर रात का, जो 3 बजे उठ के स्नान करके सिमरन में बैठते हैं उनकी फूलों को फल लग जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फल भी पच्छा रात जो जागन लहन से, जो अमृत वेले जागेंगे फल तो उन्हें मिलेंगे साई कन्नो दात, जो सोए रह जाएंगे उन्हें कैसे मिलेंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना जरूरी अमृत वेला है उतना ही जरूरी शाम का समय भी है रह रहा साहब जी का, क्योंकि पेड़ में पहले फूल लगते हैं फिर फल बनते हैं। फूल सीधा फल नहीं लगते, जो रह रहा साहब जी का समय नहीं संभालते उनको फल नहीं लगेंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई रह रहा सब्जी का समय संभालता हो, अमृत वेले ना उठता हो, फूलों की क्या कीमत? कीमत तो फल की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको फल नहीं लगेंगे। दोनों समय जरूरी है, पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात। दाते तो गुरु से वही लेगा जो अमृत वेले जागेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।